Hi everyone, my name is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on my channel Puzzle Pro. So today I'm starting off a new series for you all. 100 puzzle series आज हम start करने वाले हैं. Daily basis पर आपको कुछ puzzles मिलेंगी, बहुत ही important puzzles होंगी, prelims level की puzzles होंगी. अभी आगे आपका prelims आना है, ठीक है? तो उसी को देखते हुए ये series start किया गया, 100 puzzle series. आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैं डेली बेसिस पर कोशिश करूंगी कि दो सेशंस डालूं, एक आपका प्रीलिम्स के लिए होगा, ये जो 100 पजल सीरीज है, और एक आपका मेंस को लेकर सेशन होगा, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. और आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये जो 100 पजल सीरीज है, जो पजल्स होंगी, जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे, वो आप ही के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शिकायत करते हैं कि मैम आप कंटेंट हिंदी में नहीं देते. सो अभी आपको कंटेंट दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेगा, बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा. सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. और हिंदी में आप इस क्वेश्चन को यहां से देख सकते हैं. जो स्टूडेंट्स हिंदी से पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले और सॉल्व करें. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. अब देखो क्या कहता है. 10 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल. 10 लोग हैं एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं. अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरली आप जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट्स करते हैं उसमें क्या होता है, आपको जो अरेंजमेंट मिलता है वो 8 पर्सन का मिलता है, ठीक है? 8 पर्सन का अरेंजमेंट मिलता है. तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ना इसको ओवरलुक कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं कि लिखा क्या हुआ है, ठीक है? यहां पर लिखा गया है 10, और स्टूडेंट्स को जनरली लगता है कि 8 पर्सन का होता है वो आगे, क्योंकि देखो इसने यहाँ पर नेम्स भी नहीं मेंशन किए गए हुए हैं. आगे सीधा बोला है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सभी के सभी इनसाइड डायरेक्शन, इनसाइड फेस करते हैं. तो वो 8 के अकॉर्डिंग चलते हैं, बनाते हैं अपना सर्कल अरेंजमेंट जिसमें 8 पर्सन का प्लेस बनाते हैं, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे देखकर कि ये क्या हो गया है, ये तो क्वेश्चन सही नहीं हो रहा. फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि 10 पर्सन का था. इसीलिए ध्यान रखना है, चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओवरलुक नहीं करना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. तो कहता है कि 10 लोग हैं सर्कुलर टेबल पर बैठते हैं, सभी के सभी इनसाइड डायरेक्शन को फेस करते हैं. 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ. सी और एफ के बीच में 3 लोग बैठते हैं. जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ए. यहां से हमें ये पता चल रहा है कि हमें जो डेटा है वो दे रहा है वो इंटरकनेक्टेड दे रहा है, तो हम क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर सकते. देखो सी एफ, उसके बाद में जी और एफ के बारे में बात हुई, उसके बाद में जी और ए, बिल्कुल इंटरकनेक्शन मिल रहा है, तो क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करने में फायदा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. और देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, और प्रीलिम्स में आपको छोटे ही क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज लेकर चलते हैं. हमें बिठाना किनको है, 10 पर्सन को बिठाना है, इसको ध्यान में रखना है. हमें बिठाना है टोटल 10 पर्सन को. ये हो गए 10 पर्सन, और यहां पर भी हो गए आपके 10 पर्सन. अब उसने बोला था 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ. सी और एफ के बीच में 3 लोग बैठते हैं, तो सी और एफ के बीच में हम लोग बिठाते हैं 3 लोग. एक केस में 1 2 3 एफ आ जाएगा, यहां पर सभी के सभी क्या है, इनसाइड फेसिंग है, इसीलिए यहां पर मैंने नोट नहीं किया. तो आपको भी आदत होनी चाहिए, अगर इनसाइड फेसिंग है या फिर आउटसाइड फेसिंग है, इसको माइंड में रख के ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बट अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इसे जरूर बनाएं. तो सी और एफ के बीच में 3 पर्सन, यहां पर हमने सी के राइट से 3 का गैप लिया, यहां पर हम सी के लेफ्ट से 3 का गैप लेंगे, तो एफ यहां पर आ जाएगा. आगे कहता है जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ. जी जो है वो एफ के सेकंड लेफ्ट पर है, एफ के सेकंड लेफ्ट पर जी बैठता है, तो एफ का सेकंड लेफ्ट क्या होगा, यहां पर होगा. इस केस में, फर्स्ट केस में एफ के सेकंड लेफ्ट पर जी को बनाया, और सेकंड केस में क्या होगा, एफ के सेकंड लेफ्ट पर जी को बनाना है, तो वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है? आगे देखो, कहता है 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ए. जी और ए के बीच में 2 लोग हैं, और आगे बोलता है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी. ये जो ए है वो सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ए सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, और जी और ए के बीच में टोटल 2 लोग बैठते हैं. सो जी अगर यहां पर है, ठीक है,
इस केस की बात करें फर्स्ट केस की, तो जी अगर यहाँ पर है तो 1, 2, A इस जगह पर नहीं आ सकता क्योंकि C और A इमीडिएट नेबर्स नहीं है, उसने पहले मेंशन कर दिया। दैट मींस जी के राइट से आपको देखना होगा 1, 2, A आ जाएगा यहाँ पर। और ये जो आपका सेकंड केस है, जी और ए के बीच में दो लोग, 1, 2, A इस जगह पर नहीं आ सकता, यानी कि हम जी के लेफ्ट से ए को नहीं ले सकते क्योंकि सी और ए इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो 1, 2, A आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, L sits immediate left of E, neither of them are immediate neighbor of A. जो L है वो कहां पर बैठता है, immediate left of E. E के immediate left पर कौन है, L है। कहता है L sits immediate left of E और दोनों में से कोई भी A का immediate neighbor नहीं है। First case में देखो A का कोई भी immediate neighbor नहीं है E और L में से, इसका मतलब कि यहां पर इस जगह पर E और L नहीं आ सकता बाकी, और E और L के लिए क्योंकि E के इमीडिएट लेफ्ट पर L है, दैट मीन्स आपको दो कैसी पोजीशंस चाहिए, एडजेसेंट पोजीशंस चाहिए, बिल्कुल खाली, दो एडजेसेंट पोजीशंस। तो दो एडजेसेंट पोजीशंस हमें देखो A के साथ में E और L ने नहीं आना, तो ये पोजीशन तो कैंसिल हो गई E और L दोनों के लिए, तो अब ये जो बाकी की तीन पोजीशंस बचती है यहां पर कहीं पर भी आ सकता है, यानी कि E और L के लिए दो केसेस बनते हैं फर्स्ट केस में। तो अभी आगे फर्दर इसके और केसेस बनाने से अच्छा है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, आगे एक दो लाइन्स ही बची हैं, ठीक है, मे बी कुछ पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो जाएं। सिमिलरली सेकंड केस में देखो ए के साथ में ई एल नहीं आएगा, तो ए के साथ में ई और एल यहां पर नहीं आ सकता, यानी कि इस दोनों जगह पर ई और एल नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर अगर आप ई को नहीं बनाते, ठीक है, तो यहां पर भी कहीं पर भी ई और एल दोनों ही जगह पर नहीं आ सकता क्योंकि किसी भी हाल में ए का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। तो और कहां पर आ सकता है, ये जो जी के इधर देखो लेफ्ट पर ये तीन पोजीशंस बची हैं, यहां पर ई और एल आ सकता है, यानी कि अगेन आपके दो केसेस यहां पर बनेंगे ई और एल के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, क्वेश्चन को आगे और पढ़ते हैं। कहता है बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के, बी के के सेकंड राइट पर है, के के सेकंड राइट पर बी, ना तो हमें के पता है ना बी पता है, तो हम लोग इसे नोट करेंगे, के सेकंड राइट पर बी है, ये हमने नोट कर लिया। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, डी है, और सी के लिए बोलता है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, सी और एच इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। कहता है डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, पहले इसे नोट करते हैं, डी के थर्ड लेफ्ट पर सी है, तो सी यहां पर है फर्स्ट केस में देखो, तो सी का थर्ड लेफ्ट क्या होगा, 1, 2, 3, सी का थर्ड लेफ्ट यहां पर होगा, यहां पर आ जाएगा डी, सी का थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट। सेकंड केस में देखो सी का थर्ड लेफ्ट आपको चाहिए है डी, तो 1, 2, 3 इस ए की जगह पर कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, यानी कि ये जो सेकंड केस हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है गलत, क्योंकि सी के थर्ड लेफ्ट पर कौन होना चाहिए, डी, जबकि है क्या आपके पास ए, तो सेकंड केस तो हमारा हो चुका है गलत। करेक्ट वन है हमारा फर्स्ट केस, अब देखते हैं। अब देखो C is not an immediate neighbor of H, C और H दोनों immediate neighbors नहीं है, इसे भी हमने नोट कर लिया। अब जरा देखो E के immediate left पर L है, यानी कि हमें दो adjacent places खाली चाहिए, तो दो adjacent places आपको कहां पर दिख रहे हैं, D और C के बीच में दो adjacent places है, इसके अलावा कहीं पर भी दो adjacent places नहीं है। F के immediate left पर एक जगह है, A के immediate right पर एक जगह है, ठीक है, तो E के immediate left पर L है, तो किस तरीके से बनाओगे, E यहां पर आएगा, E के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, L है, यहां पर L आ जाएगा। अब बारी आती है C और H दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं है, यानी कि H यहां पर नहीं आएगा, अब H आ सकता है या तो यहां पर या फिर यहां पर इस जगह पर, G के इमीडिएट राइट पर या A के इमीडिएट राइट पर। अब उसने बोला K के सेकंड राइट पर B है, K के सेकंड राइट पर B, तो अब जरा देखो K के सेकंड राइट पर B का मतलब है कि K और B के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, तो जरा देखो K और B के लिए तो एक ही जगह दिख रही है, G के राइट और इमीडिएट राइट और लेफ्ट पर के और बी यहां पर और यहां पर आ सकते हैं, अगर के और बी में से कोई भी यहां नहीं आ सकता एक छोड़कर फिर प्लेस नहीं है दूसरे पर्सन के लिए, तो के और बी के बीच में एक पर्सन चाहिए, तो के आ जाएगा यहां पर क्योंकि के सेकंड राइट पर बी है और इस जगह पर कौन आएगा, बी आ जाएगा। के सेकंड राइट पर बी यहां पर आ गया और एच फिर आ गया इस प्लेस पर। सो क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड, अब आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजिली आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं और वही एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछे गए थे इस क्वेश्चन को जब दिया गया था। कहता है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड डी वेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के,
के और डी के बीच में कितने लोग हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। के और डी के बीच में, के लेफ्ट से आपको देखना है, के और डी के बीच में, के लेफ्ट से, के लेफ्ट से यानी कि 1 2 3, के और डी के बीच में कितने पर्सन है, 3। यहां पर है आपका डी, यहां पर है आपका के, के और डी के बीच में, के लेफ्ट से 1 2 3 LEC 3 लोग हैं। तो यहां पर जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा 3, यानी कि ई ऑप्शन को आपने करना है, टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट पर कौन है पूछता है। तो एच के थर्ड राइट पर कौन है, जरा देखो एच कहां पर है, यहां पर है, तो एच का थर्ड राइट 1 2 3 ये ई है, ठीक है। एच के थर्ड राइट पर कौन है, ई है, एच का थर्ड राइट 1 2 3 ई है। तो जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा ई, ई ऑप्शन मिला हमें किस में, बी ऑप्शन में मिला, ई मिला हमें बी ऑप्शन में, तो हमें टिक कौन सा करना है, बी ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बी, बी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आपको यहां पर ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, नेक्स्ट ऑप्शन है बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, सी है द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, बी ऑप्शन है बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ऑल आर ट्रू। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर, जो भी ऑप्शन करेक्ट है आपको कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे सो फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। कहता है पांच पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से पांच, इनमें से फोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पांच में से जो चार पेयर्स हैं वो कैसे हैं, आपको सिमिलर दिखेगा उसमें कुछ, और जो एक अलग होगा जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता वो बताना है, ठीक है। तो ये आपको दिए गए हैं। अभी क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि एक स्लाइड पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसको बाकी स्लाइड्स पर मैं दिखा नहीं सकती हूँ, सभी पर नहीं दिखा सकती हूँ। एग्जाम में आपने अपनी शीट पर सॉल्व किया होगा तो आप इसे जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको मिला है एफ जी एच एल डी ई, एफ जी एच एल डी ई, सो देखो एफ जी यहां पर नोट कर लेते हैं, एफ जी एच एल डी ई, और बाकी के ऑप्शंस भी कर लेते हैं हम लोग, एल सी और बी ए, एल सी और बी ए। तो अब हम लोग चेक करते हैं कौन सा अलाइक, उसने बोला पांच में से चार सिमिलर हैं और एक जो ऑड वन आउट आपको पेयर बताना है। सो एफ और जी, एफ यहां पर है, जी यहां पर है, तो एफ और जी के बीच में गैप कितना है हमें दिख रहा है, एक का, और कहां से गैप है, एफ के लेफ्ट से गैप है, एफ और जी के बीच में क्या है, एक का गैप है, पर एफ के लेफ्ट से गैप है, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट से एक का गैप है। एच और एल में चेक करो, एच कहां पर है आपका, यहां पर है, ठीक है, यहां पर है, और एल यहां पर, यहां पर एच के राइट से गैप है, एच के राइट से गैप है, हम लोग स्टार्टिंग से चेक करें, एफ के लेफ्ट से जी, एच के राइट से गैप है वन का, राइट से, ठीक है। अब बाकी चेक करना है, यानी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, सभी के बीच में गैप होगा वन का, अब आपको चेक करना है राइट और लेफ्ट का। डी और ई में जरा चेक करो, डी कहां पर है, यहां पर है, और ई कहां पर है आपका, यहां पर है, तो डी और ई में भी डी के राइट से गैप है, डी के राइट से, बी के राइट से एक का गैप है, यानी कि जो होना हो एफ और जी में होगा, एल और सी, बी और ए में भी क्या होगा, एक का गैप राइट से होगा। जैसे एल और सी में फिर से चेक करा देती हूं, एल और सी देखो, एल कहां पर है, यहां पर है, सी है यहां पर, एल के राइट से है, एल के राइट से एक का गैप है, बी और ए में भी देखो जरा, बी और ए में भी राइट से गैप है एक का, तो यहां पर जो ऑप्शन है कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो था आपका, ठीक है, वो आपका आंसर होगा एफ जी, एफ जी में लेफ्ट से गैप है, बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें राइट से एक का गैप दिया गया है। सो ये कौन सा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन पूछा गया, देखो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठा है, इजीली बता सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो कैसा है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जिनको हिंदी में देखना है वो यहां से देख सकते हैं। कहता है सिक्स पर्सन पी क्यू आर एस टी यू आर ऑफ डिफरेंट वेट, सभी के वेट अलग अलग है, छह पर्सन है, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड हमें दिख ही रहा है तो हमने सबसे पहले ये बना लिया। कहता है द फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन वेट इज 64 kg, हम इसे ले रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के वेट में,
वेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। उसने बोला द फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन इज 64 kg, उसका वेट कितना है 64 kg, फोर्थ हैवीएस्ट। ये कौन सा पर्सन होगा? ये पर्सन होगा सबसे ज्यादा हैवीएस्ट, देन दिस पर्सन इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हैवीएस्ट ये है, तो ये होगा 64 kg का। नेक्स्ट इज क्यू इज लाइटर देन ओनली टी, क्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ टी से क्या है, हल्का है, बाकी सबसे हैवियर है। Q is lighter than only T, जो Q है वो सिर्फ और सिर्फ T से हल्का है, ठीक है। यानी कि Q आ जाएगा यहां पर, T आ जाएगा यहां पर, Q T से हल्का है, बाकी सबसे, बाकी ये जो चार लोग हो गए Q, इन सबसे क्या है, हैवियर है, भारी है। आगे कहते हैं टू पर्सन आर इन बिटवीन R एंड U, R और U के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। अब हमें नहीं पता R कहां पर है, U कहां पर है, हमने सिंपली नोट कर लिया R और U के बीच में दो लोग आते हैं। U का वेट कहता है whose weight is 51 kg, U का वेट कितना है 51 kg है, तो हमें यहां से ये समझ में आता है 51 kg या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप U को इस जगह पर बनाते हो तो 1-2 गैप के बाद क्या आएगा, Q, जबकि होना चाहिए R, दैट मीन्स U आएगा यहां पर 51 kg और R आ जाएगा आपका यहां पर। आगे देखो S इज नॉट हैवियर देन P, S P से हैवियर नहीं है, एस पी से हैवियर नहीं है, यानी कि पी एस से हैवियर है, तो पी यहां पर आएगा, एस यहां पर आएगा। इजी था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्लर्क प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। हाउ मेनी पर्सन आर लाइटर देन आर, आर से हल्के, आर से लाइटर कितने पर्सन है, ठीक है, आर से हल्के। अब आर यहां पर है, आर से कम वेट वाले पर्सन बताने कितने, पी एस और यू, तीन पर्सन है। आर से कम वेट के कितने पर्सन है, तीन पर्सन है, तो आपको जैसे ऑप्शन में 3 मिलेगा, यानी कि ई ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो कहता है इफ क्यू इज 10 kg हैवियर देन पी, अगर क्यू का वेट 10 kg ज्यादा है पी से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूज एंड यूज वेट, क्यू और यू के वेट में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। क्यू कितना हैवियर है, उसने बोला है पी से 10 kg, क्यू हैवियर है पी से 10 kg, और डिफरेंस पूछा है क्यू और यू का। सो Q का वेट है 10 kg मोर देन P, यानी कि इसका हो गया 74 एज पर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। और फिर उसने पूछा Q और U का आपको क्या बताना है, वेट का डिफरेंस बताना है, सिंपल है, 23 हो गया। तो जिस ऑप्शन में आपको 23, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिल गया है 23, ठीक है। कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज जस्ट हैवियर देन द वन हु इज सेकंड लाइटेस्ट, सेकंड नंबर पे जो लाइटेस्ट पर्सन है, सेकंड नंबर पर जो हल्का पर्सन है, उससे जस्ट हैवियर कौन है, ये पूछ रहा है। सेकंड लाइटेस्ट पर्सन से जस्ट हैवियर, सेकंड लाइटेस्ट, सबसे ज्यादा कम वेट वाला ये यू है, सेकंड लाइटेस्ट पर्सन होगा ये एस। उसने बोला इससे जस्ट हैवियर कौन है, इससे जस्ट हैवियर कौन है, पी है। तो जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा पी, ए ऑप्शन में मिल चुका है आपको पी, इसे आप करेंगे टिक। सो ये था पिछला क्वेश्चन था हमारा कंपेरिजन बेस्ड। अभी हम करने वाले हैं एक पजल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल, देखो हिंदी में जिसको देखना है वो यहां से देख सकता है। इस क्वेश्चन का हिंदी में यहां पर नहीं दिया गया, ये एक्चुअली पीछे पिछले क्वेश्चन का कॉपी कर दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंदी में नहीं दिया गया है यहां पर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखो 9 persons are selected in 3 different department of a company, marketing, HR and finance. 9 persons है, 9 लोग हैं, उनको 3 अलग अलग department में, किसी company के 3 अलग अलग department में वो select हुए हैं, और departments जो हैं 3 वो कौन से, marketing, HR और finance। तो सबसे पहले हम इसे note करते हैं, marketing, HR and finance। कहता है एट लीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4 पर्सन आर सिलेक्टेड इन द सेम डिपार्टमेंट, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4, नॉट मोर देन 4, 4 से ज्यादा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिलेक्ट नहीं हो सकते, यानी कि कम से कम तो 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि 2, 3 और 4 ये हो सकते हैं आपके किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पर्सन, ठीक है। कहते हैं यू सेलेक्ट ओनली विद एस, यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस के साथ सेलेक्ट हुआ है, बट नॉट इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं, ठीक है। यू जो है वो अकेला एस के साथ में सेलेक्ट हुआ है, यानी कि यू और एस जिस भी डिपार्टमेंट में आएंगे उसके अलावा
उस डिपार्टमेंट में यूओरएस के अलावा और कोई भी नहीं आएगा, और यूओरएस जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है। तो यानी कि या तो एचआर में होगा या फाइनेंस में होगा, कौन, ये यूओरएस, दो लोग। आगे क्या कहता है, वी एंड क्यू आर सिलेक्टेड इन द सेम डिपार्टमेंट, वी और क्यू इन दोनों का भी सिलेक्शन एक डिपार्टमेंट में हुआ है पर आर के साथ नहीं हुआ है। वी और क्यू का सिलेक्शन दोनों का साथ में है पर आर के साथ में नहीं है, उसने कहा है, ठीक है। आगे कहता है टी सिलेक्ट्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टी का सिलेक्शन हुआ है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो टी आएगा यहां पर, ठीक है। डब्ल्यू एंड एक्स सिलेक्ट इन द सेम डिपार्टमेंट, डब्ल्यू और एक्स इन दोनों का भी एक ही डिपार्टमेंट में हुआ है, बट ये नहीं पता हमें कि डब्ल्यू और एक्स दो अकेले हैं, यू और एस को हम यहाँ पर स्टार मार्क कर रहे हैं क्योंकि यू और एस दोनों ही एक डिपार्टमेंट में है और इनके अलावा और कोई इनके डिपार्टमेंट में नहीं है। तो V और Q और W और X के लिए ये बोला गया है कि ये दोनों एक डिपार्टमेंट में है पर ऐसा नहीं बोला गया कि इनके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। R आगे कहता है R neither selects in marketing not HR, R ना तो मार्केटिंग में है ना ही HR में है, R ना तो मार्केटिंग में है ना HR में है, दैट मीन्स R फाइनेंस में है, क्लियर है, समझ में आया। अभी US देखो, हमें पता है U और S दोनों एक ही डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि एक ही डिपार्टमेंट में और इनके अलावा और कोई है भी नहीं, तो मार्केटिंग और फाइनेंस में नहीं, यू और एस है यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट में। एचआर डिपार्टमेंट जो है वो अभी कम्प्लीटली फिल्ड है, स्टार मार्क कर दिया हमने। अब बचता है मार्केटिंग और फाइनेंस जहां पर हमें करना है। अब उसने बोला था वी और क्यू दोनों एक डिपार्टमेंट में है पर आर के साथ नहीं, अब क्योंकि आर फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो वी और क्यू यहां पर ना आकर वी और क्यू आ जाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, P does not select in the same department as W. P और W दोनों सेम डिपार्टमेंट में नहीं है, P और W सेम डिपार्टमेंट में नहीं होंगे। अभी एक और चीज देखो, W और X कहां पर आएगा, अब W और X दोनों एक ही डिपार्टमेंट में है तो मार्केटिंग में आ नहीं सकते क्योंकि एटमोस्ट चार लोग हैं, चार से ज्यादा लोग एक डिपार्टमेंट में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो टीवी क्यू इसके अलावा अगर कोई आएगा तो एक पर्सन आएगा, ठीक है। एच आर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, फाइनेंस में आएगा इसका मतलब W और X। अब उसने क्या बोला है कि जो P है वो W के साथ में नहीं आएगा, P W के साथ में नहीं आएगा तो P यहां पर आएगा क्योंकि W के साथ में आएगा नहीं। अब देखो कितने पर्सन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन कंप्लीटेड है, तो यही होगा आपका अरेंजमेंट। लास्ट में उसने बोला X सेलेक्ट नाइदर इन एच आर डिपार्टमेंट नोर विद P, ठीक है, ना तो P के साथ में है और ना ही एच आर डिपार्टमेंट में है, X किस में है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। तो ये हो गया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, प्रिलिम लेवल के क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस पूछता है वो आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड इन द सेम डिपार्टमेंट एज एक्स, एक्स के डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में एक्स है उसके साथ में और कौन है, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक्स के डिपार्टमेंट, एक्स के डिपार्टमेंट में उसके साथ में और कौन है, एक्स के साथ में आर ओ डब्ल्यू है, तो आर ओ डब्ल्यू में से जो भी आपको ऑप्शन में मिले, आर ओ डब्ल्यू में से हमें आर मिला है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following statement is true about P? P से related कौन सी statement true है, यहाँ पर options दिए गए हैं आपको, ठीक है, आप यहाँ से check कर सकते हैं, और इस question का answer भी आप सभी को comment section में share करना है। Next question देखो, Four of the following five pairs are alike in a certain way. Which of the following does not belong? यानी कि odd one out करना है, उसने आपको दिया है W, T, U, V, R, S, ये हम लोग वहां पर note कर लेते हैं। डब्ल्यू टी यू वी आर एस क्या क्या दिया गया है, डब्ल्यू टी यू वी आर एस और दो ऑप्शन रहते हैं क्यू टी एंड पी एक्स, क्यू टी एंड पी एक्स, इसे हटा देते हैं हम लोग। देखो ऑड वन आउट आपको निकालना है W और T, W यहां पर है T यहां पर है, यानी कि W और T दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में है, ठीक है, और इसके अलावा हम और कोई इनके अंदर रिलेशनशिप एज सच सिमिलैरिटी देख नहीं पा रहे हैं, W अलग में है T अलग में है। U और V को चेक करो, U यहां पर है HR डिपार्टमेंट में, V है आपका मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में, दोनों अलग डिपार्टमेंट में है। R और S को चेक करो, R इस डिपार्टमेंट में है, एस इस डिपार्टमेंट है, दोनों अलग अलग, एचआर और फाइनेंस दोनों अलग डिपार्टमेंट्स में है। क्यू टी, क्यू और टी दोनों ही सेम डिपार्टमेंट में है मार्केटिंग, यानी कि होना हो जो ऑप्शन जो होगा ऑड वन आउट कौन सा होगा, क्यू टी होगा। पी एक्स भी आपको मिलेगा अलग अलग में, देखो पी यहां पर है और एक्स यहां पर है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, क्यू टी है।
तो ये थे आज के कुछ पजल्स, ऐसे ही कर धीरे धीरे करते करते, और ये जो लेवल है आज प्रीलिम्स के लेवल के हमने क्वेश्चंस किए हैं, पजल्स बनाए हैं। आगे आने वाले सेशंस में प्रीलिम्स पीओ हर एक लेवल के क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊंगी। सो आई होप आज के सेशन में जितना भी किया है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।